सिर्फ सालों मेन चौक विजिट करो, रोड भी मेन रोड, मेन रोड क्या से तुम्हारे होटल है? आप पैदल चले जनूबी पंजाब में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। सरदार जमाल लगारी के बाद साबिक विफाक के वजीर सिकंदर हयात बोसन को भी हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। इलाका मकीरों ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर खूब भड़ास निकाली। लोटे हो लोटे ही रहोगे, हम यहां से जीतने नहीं देंगे, चाहे पांव को हाथ लगाओ वोट नहीं देंगे। पांच साल बाद हमारा ख्याल आया, आओ रोड पर चलकर देखो इलाके की क्या हालत है। ताजपुर संदेला के मकीरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुजाहरीन ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी का जबरदस्ती दरवाजा खोलकर हल्के की सूरत हाल देखने के लिए इसरार करते रहे। इलेक्शन 2018 में जनूबी पंजाब से पहला अपसेट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुना दिया। कादर नवाज सांगी और चौधरी नजीर अराइन को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कादर नवाज सांगी और आजाद उम्मीदवार चौधरी नजीर अराइन इलेक्शन 2018 से आउट। असासा जात दुरुस्त जाहिर न करने पर बिहारी से नजीर अराइन को NA 162 से और सजवीर कनंदा का वोटर लिस्ट में नाम न होने के बाद PP 211 से कादर नवाज सांगी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। शुक्र है खतरा टल गया। मुल्तान से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ अदा गिलानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 160 से अब्दुल रहमान कांझू, बिहारी से साबिक सूबाई वजीर नईम खान भाभा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। हल्का PP 225 दुनियापुर से पीरजादा मोहम्मद जहांगीर भुट्टा के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब में शेरों को उतार दिया। मुल्तान मियांवाली भावलपुर भावल नगर में उम्मीदवारों को चुन लिया। शहजाद मकबूल भुट्टा तारिक रशीद और आसिफ रफीक रिजवाना शामिल। भावलपुर से मियां बली गुर रहमान कौमी, इकबाल चन्नर और रियाज पीरजादा सूबाई असम्बली के उम्मीदवार। मियां आलिम दार को भावल नगर की कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों टिकटें मिल गई। उबैदुल्ला खान और उमैर हयात रोखड़ी मियांवाली से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। कप्तान ने दौसा की सरजमीन पर फाइनल इनिंग्स के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया। PP 285 पर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, PP 286 पर सरदार उस्मान खान बुजदार को टिकट मिल गया। हल्का 189 की नशिस्त पर ख्वाजा शिराज को पहले ही टिकट दिया जा चुका है। इमरान खान ने जनूबी पंजाब को टारगेट पर रख लिया। 24 जून को मियांवाली और 29 जून को मुल्तान में कप्तान का जलसों के ऐलान ने
तबले जंग बजा दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को कप्तान का बेसब्री से इंतजार। जहांगीर तरीन को वफाक और सूबों में हुकूमत बनाने का यकीन। बोले नए पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि इमरान खान वजीर आजम बने। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। इमरान खान होम ग्राउंड पर अपनी इलेक्शन मुहिम का पहला मैच खेलने को तैयार। तारीखी इंतखाबात 2018 के लिए इमरान खान के इलेक्शन कैंपेन के पहले जलसे का ऐलान कर दिया गया। कप्तान का मियांवाली के खिलाड़ियों के नाम अहम पैगाम। बोले इलेक्शन कैंपेन का आगाज मियांवाली की आवाम के साथ करूंगा। मियांवाली की गयूर आवाम ने सबसे पहले मुझे इज्जत दी। आज तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में छा गई है। मियांवाली से आगाज कर रहा हूं अपनी कैंपेन का, जो इंशाल्लाह तरीके इंसाफ की हुकूमत 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में आएगी। मियांवाली इमरान खान के जलसे का ऐलान होते ही तारिक हॉकी स्टेडियम में नामालूम अपराध की जानिब से ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया। पीटीआई कारकुन आग बगोला हो गए। पुरजोश कारकुन बोले, पानी छोड़ना इमरान खान के जलसे को नाकाम करने की कोशिश है। पानी की बजाय अगर कांटे भी बिछा दिए जाएं तो भी जलसा नाकाम नहीं होने देंगे। जितनी गहरी साजिशें करेंगे लोग, उतने जज्बे के साथ इंशाल्लाह इमरान खान के जलसे में आएंगे। यह तो पानी है, यहाँ ये कांटे बिछा दें, यहाँ ये जो भी हरबा इस्तेमाल करें, इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और जो दुनिया देखेगी। जलसे का ऐलान भी हो गया और तैयारियों का आगाज भी, लेकिन इमरान खान के नए पहचान में मियांवाली से कागजात नामजदगी ताहाल मंजूर ना हो सके। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 25 जून तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी के आम इंतखाबात में पीपी 217 से जीत के लिए जतन। रूटों को मनाने के लिए मुतहरिक। तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन शेख सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी का फोन सुनने से इंकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने पर वजीर एक और शेब ने बल्ला थाम लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इस्माइल अराइन का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। बोले, हमारे लिए इमरान खान का नजरिया पहले है, जात बाद में। 90% टिकटों के फैसले पुराम तरीके से दिए गए। जहांगीर तरीन का मजीद कहना था कि मीडिया पर आकर किसी को निशाना बनाना गैर मुनासिब रवैया है। सियासत में डेडलॉक चलते रहते हैं। चौबीस से लेके 228 तक तमाम इलेक्शन में ऐसे लड़ूंगा जैसे मेरी जाती इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है, उसको जो समझता है उसके नजरिए को उसको पता होना चाहिए कि हमारे लिए जात पीछे है, पार्टी आगे है। नून लीग को एक और झटका। टिकट इख्तलाफात पर एक और रहनुमा ने नून लीग को हैदराबाद कह दिया। साबिक लीगी रुकने की सूबाई असेंबली राय मनसब अली खान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की जानिब से राय मनसब का वार्म वेलकम। पीपी 219 से टिकट दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी बोले, यह बिलावल का पहला और बाकी सियासतदानों का आखिरी इलेक्शन है। बिलावल मुल्तान में आएंगे भी नहीं और आ भी जाएंगे, ये क्या?
जी हाँ, जदीद दौर के जदीद इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का फैसला। यूसुफ अदा गिलानी सबसे मुनफरिद इलेक्शन कंपेन करने को तैयार। जदीद होलोग्राम टेक्नोलॉजी से बिलावल ND158 में यूसुफ अदा गिलानी की कंपेन करेंगे। इल्फाज की हेर फेर करके खुद को मुल्क का सबसे अमीर तरीन उम्मीदवार जाहिर करने वाले मुन्ना शेख को रोही ने ढूंढ निकाला। ना करोड़ ना अरब, मौसूफ ने खरबों के साथ साथ जात जाहिर कर डाले। ND182 से आजाद उम्मीदवार मियां मुन्ना शेख ने कागजात नामजदगी में 4 अरब 3 अरब 70 करोड़ रुपए के असासे जाहिर करके सबको हैरान भी कर दिया और परेशान भी। रोही के पूछने पर आई बाएं शाएं करने लगे। मुल्तान के 7 कौमी और सूबाई हलकों के पोलिंग स्टेशनों को तब्दील करने का फैसला। ND158 में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती रानावान का पोलिंग स्टेशन तब्दील। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुर्दनवाला में मुंतकिल। PP211 में प्राइमरी स्कूल बेटेवाला का पोलिंग स्टेशन प्राइमरी स्कूल बस्ती मान झंडेवाला में मुंतकिल। पोलिंग स्टेशन पर एतराजात फाइल होने के बाद DRO ने स्टेशन तब्दील करने का फैसला जारी किया। ND154 और PP211 में इंतहावी मुहिम का सिलसिला जारी। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार शौकत हयात खान बोसन का UC82 और 83 का दौरा। विंस ब्रादे का शौकत हयात खान बोसन और सिकंदर हयात खान बोसन की हिमायत का ऐलान। मुल्तान के हलका ND154 में उम्मीदवारों की जानिब से सियासी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून के ND154 और PP212 से उम्मीदवार शहजाद मकबूल भुट्टा की बांदा सोहिंदेला में आमद। शहजाद मकबूल भुट्टा से मुलाकात के दौरान लीगी रहनुमा मलिक अब्बास खर का हिमायत का ऐलान। इलेक्शन 2018 उम्मीदवारों की इंतहावी मुहिम शुरू। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के PP290 के मुतवक्के उम्मीदवार की जानिब से घर घर मुहिम का आगाज। रमजान कादरी ने मुहिम के आगाज से कबल दरबार सखी सर्वर पर हाजिरी दी। रमजान कादरी का कहना था कि पार्टी टिकट मिलने के बाद बाकायदा तौर पर मुहिम में तेजी लाएंगे। तहरीके लबैक के काफिले की मरकजी अमीर खादिम हुसैन रिजवी की क्यादत में भावल नगर आमद। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। शहर की फजाएं नाराए तकबीर और नाराए रसालत से गूंज उठी। खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि खत्म नबूवत के मुनकरों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मियांवाली जहाज चौक को सियासी अखाड़ा बना दिया गया। चौक के चारों इतराफ सियासी बैनर अवेजा। अंधेरे में गाड़ियों की लाइट बैनर से टकराकर वापस ड्राइवर्स की आंखों में लगती हैं। ड्राइविंग में मुश्किलात का सामना। जिले इंतजामिया अमली इकदाम करने से कासिर। दो जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। 119 टेंडर के आवाम से गुजारिश है कि ब्राय मेहरबानी आपको बिजली का बिल जो मिला है इसको फौरन अदा करें। मुल्तान में मैटको का वाजबात की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए अनोखा अंदाज। लाउड स्पीकर के जरिए बिलों की अदायगी के लिए ऐलानात किए जाने लगे। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी के बाईस मियांवाली के नवाही इलाके गलमेरी में दरख्त बिजली की तारों पर जा गिरा। इलाके और गिरतो नवा में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बिजली ना होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर तो कायम पर कार्डिक सर्जन गायब। खाली असामी पर ताहाल कोई तैनाती ना हो सकी। सर्जन ना होने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी शुरू ना हो सकी। अपने इलाके में कार्डिक सेंटर होने के बावजूद आर्ज़े कल्ब में मुब्तला अफराद सर्जरी के लिए दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भावलपुर और विक्टोरिया अस्पताल के माबेन सीवरेज की नकासी का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सीवरेज लाइन बंद करने का नोटिस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक मेन लाइन पर शहर भर की सीवरेज का दबाव है। कॉरपोरेशन हुकाम ने विक्टोरिया अस्पताल को सीवरेज की निकासी का इंतजाम बेहतर करने का कह दिया। राजनपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, मुद्रे सेहत अशिया फरोख्त करने पर 3 फूड प्वाइंट सील कर दिए, जबकि मुख्तलिफ फूड प्वाइंट्स को 72,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, अड्डा रहीम शाह, जफरुल्ला चौक और पंजाब कॉलेज रोड पर गवालों की खसूसी चेकिंग की गई। ऑपरेशन के दौरान 600 लीटर नाकिस दूध तलब किया गया। पीएचए के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, मुलाजमीन की तरक्की के लिए 2 जुलाई को डिपार्टमेंटल प्रमोशनल मीटिंग बुला ली गई। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तरक्की के लिए मंजूरी दी जाएगी। महकमा ज़राअत का अहम कदम, जनूबी पंजाब में ज़राई सहूलियात फराहम करने के लिए 108 नई गाड़ियां देने का फैसला। जिला मुल्तान को 9, डेरा गाजी खान डिवीजन को 34 और भावलपुर डिवीजन को 42 नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। इकदाम से काश्तकारों को जदीद ज़राई सहूलियात से आगाही हासिल होगी। मेलसी के स्कूल प्रिंसिपल का तालिबा को हरासा करने का मामला, तालिबा के वालिद की दरखास्त पर सी एजुकेशन ने दी वुड स्टॉक स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। स्कूल के मालिक तौकीर ने 10वीं क्लास की तालिबा के साथ जाली निकाहनामा तैयार करके हरासा किया था। हानेवाल में मुलजमान की फायरिंग से वकील समेत 4 अफराद जख्मी, जख्मी होने वाले 3 सगे भाई अपने वकील के साथ अदालत पेशी पर जा रहे थे। मुतासरा भाइयों ने मूवी बहन की बाजियाबी के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर रखी थी। वकील के मुताबिक सदर पुलिस को मुलजमान की जानिब से धमकियों से आगाही दी गई थी। गुर्दों की बीमारी में मुब्तला सेंट्रल जेल मुल्तान का कैदी निश्तर अस्पताल में चल बसा। मुजफ्फरगढ़ का रहायशी अकबर गुजश्ता रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। भावलपुर कम्युनिटी लीगल एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का सालाना इजलास, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भावलपुर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मंसूबे का मकसद लोगों को कानूनी मुआवनत फराहम करना है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सैलाब से बचाव के लिए मुल्तान डिवीजन में इंतजाम शुरू। कमिश्नर नदीम अरशाद कियानी की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान का इजलास। मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए ज़राई महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। उधर डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी की सरपरस्ती में इजलास हुआ। ख्वाजा सराक कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा और महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। रहीम यारहान में डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील की जेर सदारत सूबाई हलकों के मॉनिटरिंग अफसरान का इजलास। जिला के 13 सूबाई हलकों में से 26 मॉनिटरिंग अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इशफाक अहमद चौधरी की जिला भर के अफसरान के साथ मीटिंग। जिले भर में सेहत की सहूलियात के हवाले से जायजा लिया। डीएचक्यू, टीएचक्यू और बुनियादी हेल्थ सेंटरों पर डॉक्टरों और अमले की हाजिरी और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। भावलपुर में नए तैनात होने वाले कमिश्नर नैयर इकबाल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अयूब खान ने अपने अपने दफातर का चार्ज संभाल लिया। अफसरान का कहना था कि भावलपुर डिवीजन में पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद तरजीहात में शामिल है। दूसरी जानब मियांवाली के नए डीपीओ सैयद करार हुसैन ने भी ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मातहत अफसरान से मुलाकात की और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग ली, जबकि डीजी खान में कमिश्नर राणा गुलजार अहमद एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। कमिश्नर ऑफिस के अफसरान और अमला ने गुलदस्ते देकर इस्तकबाल किया।
डीपीओ लोधरा उस्मान एजाज बाजवा ने चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। डीपीओ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उधर डीपीओ बहावलपुर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने ओहदा संभालते ही यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की पुलिस लाइन्स के तमाम ब्रांचेस का विजिट भी किया। डीपीओ बिहाड़ी अहमद नासिर अजीज वेद ने चार्ज संभालने के बाद खुली कचहरी लगा ली। शहरियों के मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्तान में एलीट फोर्स सिलेक्शन ब्राय बेसिक एलीट कोर्स नंबर 20 के हवाले से शेड्यूल जारी। 30 जुलाई से बेसिक एलीट कोर्स सिलेक्शन का अमल हर रीजनल पुलिस लाइन में शुरू होगा। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय रोज पेट्रोल परफ्यूम्ड। अब दो नए फ्रेग्रेंसेस। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन बकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए रोही के साथ। रोज पेट्रोल परफ्यूम्ड, अब दो नए फ्रेग्रेंसेस में महकते रहो। यार गर्मी इतनी ज्यादा और वोल्टेज इतना कम, लेकिन मेरा जापानीज टीसी मर्टर टेक्नोलॉजी वाला चैंग होंग रूबा रेफ्रिजरेटर तो लो वोल्टेज पे भी चलता है। टर्बो कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी की बदौलत 6 वे कूलिंग से 20 मिनट में बर्फ तैयार। स्मार्ट कूलिंग और सेविंग साथ साथ, चैंग होंग रूबा। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहाँ हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहरे लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं। आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं। और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं। और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे मौशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनअतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वढेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताप, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद,
तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहां का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हो या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बात करें तो सबसे पहले आपको बड़ी और अहम खबर से अपडेट करें, जनूबी पंजाब में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी। सरदार जमाल लगारी के बाद साबिक विफाक के वजीर सिकंदर हयात बोसन को हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। इलाका मकीनों ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर खूब भड़ास निकाली। लोटे हो लोटे ही रहोगे, हम यहां से जीतने नहीं देंगे, चाहे पांव को हाथ लगाओ वोट नहीं देंगे। 5 साल बाद हमारा ख्याल आया और रोड पर चलकर देखो इलाके की क्या हालत है। ताजपुर संदेला के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुजाहिरीन सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी का जबरदस्ती दरवाजा खोलकर हल्के की सूरत हाल देखने के लिए इसरार करते रहे। इलेक्शन 2018 में जनूबी पंजाब से पहला अपसेट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुना दिया। कादर नवाज सांगी और चौधरी नजीर अराइन को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कादर नवाज सांगी और आजाद उम्मीदवार चौधरी नजीर अराइन इलेक्शन 2018 से आउट हो गए। असासाजात दुरुस्त जाहिर न करने पर नजीर अराइन को NA 162 से इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, जबकि मुल्तान से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 160 से अब्दुल रहमान कांजू, बिहारी से साबिक सूबाई वजीर नईम खान भाभा को भी इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाजत दे दी गई। इलेक्शन 2018 में मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों की अपीलों की समाअत हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस काजी अमीन अहमद की अदालत में हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 29 अपीलों की समाअत की। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इनके खिलाफ हलफनामा न लगाने और सजा याफ्ता होने का इल्जाम था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 155 से तलीमी काबिलियत पर दायर अपील का फैसला सुना दिया गया और शेख तारिक रशीद को हलफनामा जमा करवाने पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 160 से अब्दुल रहमान कांजू और विहाड़ी से साबिक सूबाई वजीर नईम खान भाभा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। सच और इंसाफ की आज जीत हुई है और मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशन थे 2008 के हवाले से वो सारे आज जज साहब ने समाप्त करके और एक असूली और एक सही एक फैसला दिया है। आज जो खड़े होकर झूठ बोला है, जो झूठा हलफ दिया है, उसको हम अपनी नेक्स्ट फोरम पर लेकर जाएंगे और हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमारे लिए ये आसानी पैदा की है कि ये जो चीजें जो हकायक थे वो साबित नहीं करने पड़े। सूबाई असम्बली का हल्का PP 225 दुनियापोर से उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद जहांगीर भुट्टा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, जिस पर कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की। यूनियन काउंसिल नंबर 80 के चेयरमैन मलिक अरशद मेट शकील लाबर की समाअत केस 25 जून तक मुलतवी कर दी गयी। PP 211 से कादिर नवाज सांगी का नाम वोटर लिस्ट में न होने से इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। NA 162 से नजीर अराइन को असासा
जात दुरुस्त जाहिर न करने पर रोक दिया गया है। जबकि पीपी 224 दुनियापोर से उम्मीदवार जवार हुसैन वड़ाइच को तलीमी डिग्री में रद्दोबदल करने के मामले पर अदालत ने कल तक हलफनामा जमा कराने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने वो इतराजात खत्म करके मेरी दरखास्त मंजूर करते हुए फरमाया कि जाओ इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन मैदान है, वहाँ आके लड़े, वो भी लड़े, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल भी मुस्तरद कागजात की अपीलों पर समाअत करेगा और अपीलों पर ट्रिब्यूनल्स का फैसला 27 जून तक सुनाया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 जून को आवेजा कर दी जाएगी। कैमरामैन इडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। इमरान खान होम ग्राउंड पर अपनी इलेक्शन मुहिम का पहला मैच खेलने को तैयार। मियांवाली में इमरान खान के जलसे की तैयारियां शुरू। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को कप्तान का बेसब्री से इंतजार। तारीखी इंतहाबात 2018 के लिए इमरान खान के इलेक्शन कैंपेन के पहले जलसे का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई कोऑर्डिनेटर नॉर्थ पंजाब मोहसिन हुसैन मलिक ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरोज इतवार इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। ग्राउंड में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। हॉकी स्टेडियम के साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड में भी कुर्सियां लगाई जाएंगी। साउंड सिस्टम लगा दिया गया है। स्टेज तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। कल दोपहर तक मरकजी कायदीन मियांवाली पहुँच जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी मुहिम के आगाज पर आतिशबाजी की जाएगी। ढोल थाप पर पीटीआई के कारकुनान मियांवाली का रवायती रक्स रूमर भी पेश करेंगे। इमरान खान के जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। साउंड सिस्टम लगा दिया गया है। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। नौजवान रक्स, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफी तादाद में ग्राउंड में मौजूद हैं। जलसे की तैयारियों का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज। जी अख्तर, बिल्कुल, ये किसी सिंगर किसी फनकार का यहाँ पे शो नहीं होने जा रहा, बल्कि ये पंडाल सजा हुआ है इमरान खान के जलसा का। कल इमरान खान यहाँ पे जलसा करेंगे तारिक हॉकी स्टेडियम मियांवाली में, जहाँ पे बड़ों के साथ साथ काफी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ पे रक्स कर रहे हैं। बच्चे भी रक्स कर रहे हैं, नौजवान भी रक्स कर रहे हैं। तो बच्चों से इस हवाले से पूछें कि ये रात के इस वक्त यहाँ पे क्या करने के लिए, बेटा बताइए आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप क्यों आए हो? इन बच्चों का कहना है कि हम इमरान खान के लिए आए हो, और भी एक छोटा बच्चा मौजूद है, क्या करने आए हैं बेटे आप यहाँ पे? इसका कहना है गो नवाज गो। और कुछ लोग मौजूद है, इस बच्चे से पूछे बेटा आप यहाँ पे क्या लेने आए हो इस वक्त? पापा कहते हैं इन बच्चों का कहना है कि इमरान खान के लिए आए हुए हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो गो नवाज गो का नारा भी लगा रहे हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो आप बताइएगा आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, रात के इस वक्त क्या आपको फील हो रहा है? इनका कहना है कि इमरान खान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कल इमरान खान यहाँ पे जलसा करेंगे, और यहाँ पे कुछ एक ऐसा नौजवान भी मौजूद है जिसका ये कहना है कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इमरान खान पिंडाल में मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग डांस कर रहे हैं, मियांवाली का मखदूम जो झूमर है उसमें रक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे काफी रश लगा हुआ है, और इस वक्त यहाँ पे जो समा महसूस हो रहा है जैसे कुछ चांद रात हो। कल यहाँ पे इमरान खान शादी पावर का शो करेंगे, यहाँ पे शादी अपना जो वोट बैंक है वो शो करेंगे। कल यहाँ पे इमरान खान का जलसा होने जा रहा है। अख्तर मजाज आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे खान के पैगाम का, कप्तान का, मियांवाली के खिलाड़ियों के नाम अहम पैगाम। बोले इलेक्शन कैंपेन का आगाज मियांवाली की आवाम के साथ करूंगा। मियांवाली की गयूर आवाम ने सबसे पहले मुझे इज्जत दी। आज तरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान में छा गए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इतवार को मगरिब से पहले 6 बजे 5-6 बजे मैं मियांवाली के हॉकी स्टेडियम में
अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करूंगा। मियांवाली से क्यों शुरू कर रहा हूं? मियांवाली के वो लोग हैं, अगर वो ना मुझे 2002 में इलेक्शन जिताते ना आज मैं पॉलिटिक्स कर रहा होता। अगर मियांवाली के लोग मेरे साथ ना खड़े होते 2002 में, और जिस तरह नौजवानों ने खास तौर पे मेरे साथ खड़ा होकर वो जो मुझे इलेक्शन जिताया है, वो उस इलेक्शन के जीतने की वजह से तहरीक इंसाफ आज अल्लाह का करम है कि आज उस मुकाम पे पहुंची है कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। अब मियांवाली से आगाज कर रहा हूं अपनी कैंपेन का, जो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में आएगी और वो पाकिस्तान बनाएगी जो कायदे आजम की कोशिश थी, इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, कि एक अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। इंशाल्लाह उस कैंपेन का आगाज इतवार को मियांवाली के हॉकी स्टेडियम से मैं शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है कि अब सब आएंगे और भरपूर तरीके से हमारी इस 2018 की इलेक्शन कैंपेन का मेरे साथ मिलकर आगाज करेंगे। एक और शेर ने बल्ला थाम लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इस्माइल अराइन का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। बोले, हमारे लिए इमरान खान का नजरिया पहले है, जात बाद में। 90% टिकटों के फैसले पुरम तरीके से दिए गए। जहांगीर तरीन का मजीद कहना था कि मीडिया पर आकर किसी को निशाना बनाना गैर मुनासिब रवैया है, सियासत में डायलॉग चलते रहते हैं। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर खान तरीन ने लौद्रा में मलक इस्माइल अराइन की शमूलियत के हवाले से निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इराई इतिहाद के अहम रहनुमा भी शामिल थे। साबिक एमपीए अहमद खान बलोच ने कहा कि दूसरी बरादरियों को इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम करके जहांगीर तरीन ने हल्के के लोगों के दिल जीत लिए। मैं भाई इस्माइल, उनकी बरादरी और उनके दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनका पीटीआई ज्वाइनिंग करने पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। जहांगीर खान तरीन का कहना था कि अपनी जात से पहले पार्टी और इमरान खान का नजरिया अजीज है। शाह महमूद कुरैशी की गुज़िश्ता रोज जहांगीर खान तरीन पर तनकीद के हवाले से उनका कहना था कि पार्टी रहनुमाओं को कमरे में बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मगर मैं इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करना चाहता। ये गैर मुनासिब बात है और मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहांगीर खान तरीन ने दावा किया कि पीटीआई में 90% टिकटें मेरिट पर जारी की गयी, 10% में मसाइल का सामना है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अमीन रोही। कप्तान ने तौंसा की सरजमीन पर फाइनल इनिंग्स के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया। पीपी 285 पर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, पीपी 286 पर सरदार उस्मान खान बुज़दार को टिकट मिल गया। हल्का एनए 189 की नशिस्त पर सूबाई असम्बली की नशिस्त 285 पर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और पीपी 286 पर सरदार उस्मान बुज़दार को टिकट फाइनल कर दिया गया। एमएनए 189 की नशिस्त का टिकट ख्वाजा शराज को पहले ही फाइनल कर दिया गया था। सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें ख्वाजा शराज की लौद्रा में जहांगीर खान तरीन के घर मुलाकात के दौरान फाइनल हुई। टिकटों के कन्फर्म होने का बाकायदा ऐलान टिकट होल्डर ख्वाजा शराज ने सोशल मीडिया पर किया। उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ में सुबह महाज के जरिए शमूलियत की थी। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान नहीं किया, मगर फिर भी टिकट ले उड़े। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के आम इंतखाबात में पीपी 217 से जीत के लिए जतन। तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन शेख सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी का फोन सुनने से इनकार कर दिया। सलमान नईम शाह महमूद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने पर बाजिद हैं। मुल्तान के सूबाई असम्बली के हल्का पीपी 217 पर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने रूठों को मनाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। पीपी 217 से तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा शेख सलमान नईम ने ना मानने पर बाजिद हैं। जराय का कहना है कि सलमान नईम शाह महमूद कुरैशी का फोन नहीं उठा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानब से करीबी लोगों के जरिए भी सलमान नईम को पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं। शेख सलमान नईम आजाद हैसियत से शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने पर बाजिद नजर आते हैं।
बिलावल मुल्तान में आएंगे भी नहीं और आ भी जाएंगे, ये क्या? जी हाँ, जदीद दौर के जदीद इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का बड़ा फैसला। यूसुफ रजा गिलानी सबसे मुनफरिद इलेक्शन कैंपेन करने को तैयार, जदीद होलोग्राम टेक्नोलॉजी से बिलावल NA 158 में यूसुफ रजा गिलानी की कैंपेन करेंगे। यूसुफ रजा गैलानी के हल्का NA 158 में मुनफरद इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए NA 158 शुजाबाद में खिताब करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के होलोग्राम खिताब के लिए ट्रक तैयार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो अपने खिताब के दौरान सिर्फ शुजाबाद के मसाइल और उनके हल के बारे बात करेंगे। होलोग्राम ट्रक हल्का NA 158 के इलाकों में जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी शुजाबाद का दौरा करके इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा मुल्तान और शुजाबाद का शेड्यूल जल्द जारी किया जाए। नून लीग को एक के बाद एक झटका, टिकट इख्तलाफात ने एक और रहनुमा के नून लीग को हैदराबाद कह दिया। साबिक लीगी रुकन सूबाई असेंबली राय मनसब अली खान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की जानिब से राय मनसब का वार्म वेलकम, PP 219 से टिकट जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। राय मनसब अली खान 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। इनके मुस्लिम लीग नून से टिकट के मामले पर इख्तलाफात हुए। राय मनसब अली खान नून लीग की टिकट पर PP 219 से इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे। मुस्लिम लीग नून ने PP 219 से इकबाल सराज को टिकट कन्फर्म कर दिया। राय मनसब अब पीपल्स पार्टी की टिकट पर PP 219 से इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को फ्राहम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 106 इंतखाबी निशानात पार्टियों को अलॉट। 225 इंतखाबी निशानात में से आजाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान 30 जून को उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी करेंगे। मुल्तान के 7 कौमी और सूबाई हलकों के पोलिंग स्टेशन को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। NA 158 में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती रानावान का पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुड्डनवाला में मुंतकिल। पोलिंग स्टेशन पर एतराजात फाइल होने के बाद DRO ने स्टेशन तब्दीली का हतमी फैसला जारी किया। असेंबली के हल्का NA 158 में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती राना वहां का पोलिंग स्टेशन तब्दील हो गया। ये पोलिंग स्टेशन अब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुड्डनवाला में मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई हल्का PP 211 में प्राइमरी स्कूल बेटेवाला का पोलिंग स्टेशन तब्दील। ये पोलिंग स्टेशन अब प्राइमरी स्कूल बस्ती मान झंडे वाला में मुंतकिल किया गया है। खिजर हयात बोसन की दरखास्त पर बस्ती बोसन उतार का पोलिंग स्टेशन बहाल कर दिया गया है। कौमी असेंबली 159 और PP 222 का पोलिंग स्टेशन तब्दील किया गया है। अरबों नहीं खरबों का सरमाया, अब ये मुन्ना शेख कौन है? खरबों के असासे मगर टैक्स 1 रुपया भी नहीं दिया। मुजफ्फरगढ़ से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद हुसैन मुन्ना शेख ने कागजात नामजदगी में खरबों के असासे जाहिर करके सबको हैरान परेशान कर दिया। मुन्ना शेख 4 खरब 3 अरब 11 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। ताहिर चौधरी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद हुसैन मुन्ना शेख ने अपने कागजात नामजदगी में मुल्क में सबसे ज्यादा असासे जाहिर कर दिए। मुन्ना शेख हल्का NA 182 और PP 270 से आजाद उम्मीदवार हैं। मुन्ना शेख के कागजात में जाहिर करदा असासों की मालियत 4 खरब 3 अरब 11 करोड़ रुपए है, जबकि कागजात नामजदगी के मुताबिक मुन्ना शेख ने खरबों रुपए के असासों पर 1 रुपए भी टैक्स अदा नहीं किया। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद हुसैन मुन्ना शेख का कहना था कि उनकी तहसील मुजफ्फरगढ़ में मलकीती 5 मौजूआत लांग मलाना, चक तलेरी, लटकेरा और मुजफ्फरगढ़ शहर बा असर अफराद की जानब से महकमा माल की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था। मुजफ्फरगढ़ के हमें तकरीबन 5 जो मौजे हैं उसका ये फैसला है। नंबर 1 लांग मलाना मुजफ्फरगढ़, मौजा तलेरी, 3rd चक तलेरी, 4th मौजा लुटकरा और 40% मुजफ्फरगढ़ शहर, जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने 88 साल बाद फैसला दिया है।
मुन्ना शेख का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 88 साल बाद उनके खानदान के हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हासिल होने वाली 5 मौजूदात की जमीन की कीमत का अंदाजा 4,03,11,00,00,000 रुपए है, जबकि वो 5 कीमती मौजूदात पर कब्जे के लिए कोशिश है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, मुजफ्फरगढ़। खबरें और भी होंगी मगर इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। रोज पेट्रोल परफ्यूम्ड। बल्की दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहरे लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में वुडस्टॉक स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल तुकेर कुम्हार की जानिब से जाली निकाह नामा तैयार करके तालबा को हिरासत करने का मामला सामने आया। सीओ एजुकेशन शौकत अली ताहिर ने तालबा के वालिद ताहिर महमूद की दरखास्त पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेलसी मॉडल टाउन में कायम द वुडस्टॉक स्कूल में तुलबा को हरासा करने का दूसरा वाकया सामने आया है। पहले वाकया में स्कूल ऑनर तौकीर कुम्हार ने 10वीं क्लास की तुलबा को व्हाट्सएप पर गलत मैसेज करके हरासा किया था, जिसका मुकदमा नंबर 472/17 तुलबा काफ के वालिद हाजी इशफाक की दरखास्त पर थाना सिटी मेलसी में दर्ज हुआ था, जिसके कुछ माह बाद ही स्कूल ऑनर तौकीर कुम्हार ने 10वीं क्लास की तुलबा आइन के साथ अपना जाली निकाह नामा तैयार किया। और उसे हरासा करने लगा। इस बार तुलबा के वालिद ताहिर महमूद की दरख्वास्त पर ऑनर स्कूल द वुडस्टॉक तौकीर कुम्हार समेत 8 अफराद पर थाना सिटी मेलसी में मुकदमा नंबर 260/18 दर्ज किया गया। 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तौकीर कुम्हार समेत दीगर मुलजमान इलाके से गायब हैं, जबकि दूसरी जानब तुलबा के वालिद ताहिर महमूद की दरख्वास्त पर सीईओ एजुकेशन शौकत अली ताहिर ने द वुडस्टॉक स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके ऑनर प्रिंसिपल और दीगर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू झगड़े में एक शख्स की जान चली गई। दूसरी जानब मुल्तान निश्ता अस्पताल में कैदी जान की बाजी हार गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में घरेलू झगड़े पर एक शख्स जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। सुल्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। सेंट्रल जेल मुल्तान का कैदी निश्तर अस्पताल में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। कैदी गुज़िश्ता रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद अकबर कैदी 3 साल से सेंट्रल जेल में कत्ल के मुकदमे में कैद था। मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस शेरशाह पोस्ट की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई, मंशद फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूल अहमद के कब्जे से 640 ग्राम चर्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर के क्याम के बावजूद कार्डियक प्रोफेसर ना होने के बायस ओपन हार्ट सर्जरी अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। कार्डियक सर्जन के ना होने से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, जानेंगे अथहर लशारी की जबानी। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में 1 माह कबल शुरू होने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर में ताहाल ओपन हार्ट सर्जरी शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से कार्डिक प्रोफेसर का ना होना है। सीनियर प्रोफेसर की इंटरव्यू हो चुका है और उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जो कि रहीम यारखा में काम करते हैं। वो जो फाइल है उनकी, वो लाहौर में पेंडिंग है। कार्डिक सेंटर बहावलपुर में प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल अहसन कुरैशी की बदौलत अब तक 200 से जायद एंजियोप्लास्टी जबकि 500 से जायद एंजियोग्राफी की जा चुकी हैं। कार्डिक सर्जन जिनकी हमने अपॉइंटमेंट हुई है ना, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। वो 500 बाईपास अब तक कर चुके हैं विद गुड रिजल्ट। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कार्डिक सेंटर जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम करेगा। 20वें ग्रेड के प्रोफेसर की असामी खाली होने से अभी तक बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी शुरू नहीं की जा सकी, जिसके बायस बहावलपुर समेत दीगर अजला के मरीज लाहौर और मुल्तान जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। मुल्तान में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल के न्यू न्यूरोलॉजी यूनिट में हाइपोथर्मिया मशीन इंस्टॉल कर दी गई। जानते हैं डोगर की इस रिपोर्ट में। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में न्यू न्यूट्रोलॉजी यूनिट में हाइपोथर मशीन इंस्टॉल कर दी गई। हेड न्यू न्यूट्रोलॉजी यूनिट डॉक्टर अब्दुल रहमान का कहना था कि हाइपोथर मशीन यूनिट अपनी नौयत की वाहिद मशीन है। इसका मकसद ये है, जो पैदाइश के ऊपर जो बच्चे सांस नहीं लेते और जिनकी वजह से जिस्मानी और जहनी कमजोरी हो जाती है बाद में बच्चों को और बच्चे चलते नहीं है, उस चीज को हमने रोकना है।
डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मजीद कहा कि नए पैदा होने वाले बच्चों को इस यूनिट की मदद से ऑक्सीजन की फराहमी में मदद मिलती है। एमएस डॉक्टर मजहरुल हक की काविशों को यूनिट से इस मशीन का इजाफा हुआ है। पूरे जनूबी पंजाब में ये अपनी नौयत की वाहिद मशीन है और इसकी कीमत 40 लाख रुपए है। 40 से 50 लाख के दरमियान में आती है और हमने तो मैं तो बड़ी ये समझता हूँ अचीवमेंट है, माइलस्टोन है कि और मेरे डॉक्टर्स ने भी तावन किया, बाकी लोगों ने भी कि मुझे ये मशीन खरीदने की उन्होंने फैसिलिटेट किया। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल डॉक्टर मजरुल हक ने कहा कि इसकी तरह की 4 मशीनें मजीद दरकार हैं। जैसे ही बजट मिलेगा तो मशीनें खरीद ली जाएंगी। मुस्तकबिल में मरीजों की सहूलत के लिए मजीद इस तरह के इकदाम करेंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ आमिर डोगर, मुल्तान। वही ब्रेकिंग शामिल करेंगे, आपको बताएं कि नून लीग की टिकट किसको मिलेगी। नून लीग रहीमिया खान कौमी असेंबली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला न कर सकी। रहीमिया खान एनए 175, 176 और 177 से किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आ सका। इसी हवाले से बात कर लेते हैं कंट्रोलर न्यूज जमशेद रिजवानी से। जी जमशेद रिजवानी, आगाह कीजिएगा। जी, अभी जो आज अनाउंसमेंट हुई है टिकट की मुस्लिम नमाज के, और उसमें हम बात यह है कि कौमी असम्बली के, अभी हम सूबाई असम्बली के दर्जे के बाद में करेंगे, लेकिन कौमी असम्बली के कम अज कम 9 हल्के ऐसे हैं जहां से जनूबी पंजाब से मुस्लिम लीग नमाज को अपने जो टिकट के उम्मीदवार सामने ही नहीं आए हैं, और उनमें मुल्तान का हल्का NA 154 भी शामिल है। रहीमिया खान के हल्के का आपने मैंशन किया, रहीमिया खान के 3 हल्के ऐसे हैं कौमी असम्बली के जहाँ से मुस्लिम नवाज ने अपना उम्मीदवार नहीं दी। इसी तरीके से बहावल नगर के भी 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम नवाज ने अपना किरदार, अपने जो उम्मीदवार हैं वो नहीं दिए। तो यहाँ इसके साथ साथ और दिलचस्प बात सबसे ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ जिले में है, जहाँ पर 1 उम्मीदवार हैं हारून बासित बुखारी, और उसमें उन्होंने हारून सुल्तान बुखारी उसमें 3 हल्कों से, उन्हें 3 ही हल्कों से उन्हें MNA का टिकट दे दिया गया है, और जबकि 1 हल्के से भी मुस्लिम नवाज का उम्मीदवार नहीं है। 6 में से 4 नशीतें ऐसी हैं जिसकी ये सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल जो है सियासी और इंतखाबी सूरत हाल, ये मुस्लिम नवाज की जनूबी पंजाब में जो इस वक्त सिचुएशन है उसको जाहिर कर रही है। जी रिजवानी साहब, ये कहिएगा अगर टिकटें जारी होती हैं तो एक्सपेक्टेड उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? देखिए, जो टिकटें जारी हुई हैं वो लिस्ट हम सब ने शेयर की है, इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही हैं, और वो पूरी तफसील है जो मुल्तान 40 नशीतें कौमी असेंबली की जिन्हें जारी कर दिया गया है। हम तो टिकट जारी कर दी गई है। जमशेद रिजवानी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अंदरून मुल्तान में मौजूद हजरत शागिर्देस के मजार में सायरीन का तांता बंधा रहता है, साथ ही साथ ये मजार दिलकश तर्ज तामीर की बदौलत अहले ज़ौक की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवाता है। मजार की मुनफरद और दिलकश तामीर से मुतालिक तफसीलात फारहा हाशमी की इस रिपोर्ट में। दानी सवार शेर के दर्दस्त मार कर्द, मखदूम शाह यूसफैन शाह करार कर्द। ईरानी तर्ज पर तामीर शुदा 950 साल कदीम मुस्तदील शक्ल की ये इमारत हजरत शाह यूसुफ गर्देस की खानकाह है। बजाहिर नीली काशीगरी से आरास्ता मजार की ये इमारत अहले ज़ौक को इन टाइल्स में छुपे नकूश बशमूल ज्योमेट्रिकल डिजाइन, चारों जानिब ईरानी खत में तहरीर शुदा बॉर्डर और फूलों के मुरब्बा हश्त पहलू डिजाइन की तरफ मुतवज्जे करती है। इब्तदाई तौर पर तामीर शुदा खानकाह में टाइल्स लगवाने का शर्फ शहाबुद्दीन गौरी को हासिल हुआ, जबकि खानकाह का दरवाजा आपकी वसीयत के ऐन मुताबिक बैतुल्ला की निस्बत पर रखा गया। खाना खुदा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने वहाँ पर भी दरवाजे का जो है बिल्कुल साइड पर है, तो उसको उस नक्शे को देखते हुए सरकार ने ये खुद यहाँ पर दरवाजे का नॉमिनेशन किया था। मजार की शुमाली दीवार में कतबा नस्ब है जिस पर शाह साहब की तारीख पैदाइश और विसाल कंदा है। इमारत की मनकश दीवारों में छोटे छोटे सुराख रखे गए जिनमें शाह साहब पर साया फगन कबूतर कयाम किया करते थे। मजार के अंदरूनी हिस्से को इब्तदाई तौर पर खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया, तो बाद अजां अहमद नवाज गर्देजी ने मजार के अंदरूनी हिस्से पर इस कदर खूबसूरत मीनाकारी कराई जो कि इसको शीश महल की मुमासलत देती है।
मजार की छत पर दयार की मजबूत लकड़ी का नफीस चाली नुमा फूलदार ढांचा लगा है, जिसको मजीद सुर्ख और सब्ज रंगों से सजाया गया तो ये शाही कला की दीवारों में जड़े याकूत जमुट से मेल खाने लगा। जबकि मजार के अंदरूनी हिस्सा में नस धाती प्लेट पर सूरत यासीन और तारीख साहिब मजार भी लिखी गई है। अंदर हिस्ट्री लगवाई है सरकार की, ताकि वो जो भी ज़ायरीन आए तो ज़ियारत भी करें और इसके अलावा उसकी हिस्ट्री में डिटेल वगैरह भी है, वो भी पढ़ते रहें। मजार के अहाते में कदम कदम पर शाह साहब के खानदान के कई अफराद की कुबूर भी हैं। खूबसूरत लगना हर किसी का शौक होता है, मगर जहां बात हो ख्वातीन के लिबास की तो मुल्तानी कढ़ाई ख्वातीन की खसूसी तवज्जो का मरकज है। मुल्तान में अलिशवा आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। आज के मशीनी दौर में हाथ से की जाने वाली मुल्तानी कढ़ाई नफासत और इंफरादियत में कदीम सकाफत की अकासी है। सुई धागे के साथ महारत से मुख्तलिफ रंगों के धागों से कपड़ों पर इतनी नफासत से काम किया जाता है कि देखने वाला दाद दिए बिना नहीं रह पाता। इसलिए तो दुनिया भर में हाथ से की गई ये मुल्तानी कढ़ाई बहुत मशहूर है। ये सुई का काम है, हाथ नाल ही कढ़ाई करने, हाथ ही नग लेने, हाथ नाल ही काम करने हैं, हाथ नाल मोती लेने, हाथ नाल सितारे लेने हैं। This transmission was brought to you by Rose Petal Perfumed.